बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई। काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई बहुत ही मजेदार और लजीज रेसिपी है। काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तरीकाकार क्या है और कैसे बनेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलोग्राम चिकन मैंने लिया है। चिकन को अच्छी तरह वाश करके दरमियाने साइज के पीसेज में काट लिया है। लेग पीस को आपने ऐसे क्रॉस कट लगा लेना है। सबसे पहले चिकन के अंदर 4 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। बीस मिनट गुजरने के बाद लोहे की कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। कढ़ाई के अंदर 250 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल अच्छी तरह गर्म होते ही चिकन ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन का कलर चेंज होते ही 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, 4 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 3 से 4 अदर टमाटर ले लेंगे और चिकन के ऊपर लगा देंगे, साथ ही 4 से 5 अदर साबुत हरी मिर्च कट लगाकर शामिल कर देंगे। ढक्कन से ढांप देंगे। चार मिनट गुजरने के बाद ढक्कन को दोबारा उठा लेंगे। टमाटर ने छिलके को छोड़ दिया है, अब हमने छिलके को रिमूव कर देना है, निकाल लेना है। छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा। छिलका उतारने के बाद टमाटर को चमचे की मदद से ऐसे तोड़कर बारीक कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद टमाटर अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब हम चिकन के अंदर 250 ग्राम दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन से डाल देंगे। 4 से 5 मिनट बाद ढक्कन को उठाएंगे और अच्छे से चमचे की मदद से मिक्स करके फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके मज़ीद 2 मिनट तक पकाएंगे। चिकन अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। आखिर में हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे। माशाल्लाह जबरदस्त खुशबूदार टेस्टी काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई अच्छे से रेडी है। अब आप नान रोटी और पराठे के साथ खा सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मजेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।